दोस्तों वेलकम है एक बार आपका फिर से दोफार फूड्स में। आज हम बनाएंगे मटन स्टू। आइए देखें इसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या इन्ग्रीडियंट इनमें ऐड करते हैं। दोस्तों आप भी मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। दोस्तों हमने यहाँ पे लिया पैन और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और 2 से 3 मिनट इस तेल को हम गरम करेंगे ताकि जब हम खड़े मसाले यूज़ करें तो तेल अच्छे से गरम हो जाए। और यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले यूज़ किए हैं। जीरा 1 टेबल स्पून, तेज़पत्ता 4 से 5 पीस, लहसुन पोथी 12 से 15 पीस, सूखी लाल मिर्च 8 से 10 पीस, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 12 से 15 पीस, बड़ी इलायची 4 से 5 पीस, लौंग 12 से 15 पीस। और ये खड़े मसाले हैं, आज इनसे ही हम बनाएंगे, बाकी की आप आगे वीडियो में देखोगे वो। और दोस्तों तेल हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम खड़े मसाले इनमें ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट इनको हम पकाएंगे। यहाँ पे हमने सूखी लाल मिर्च ऐड नहीं की, वो लास्ट में ऐड करेंगे। और इनका कलर जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इनको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ही ये तैयार हो जाएंगे। और साथ में यूज किए हैं मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, करीब 3 से 4 प्याज हमने यूज़ किए और इनको बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया था। और ये देखिए दोस्तों, साथ में मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, करीब 3 टमाटर हमने यहाँ पे यूज किए। हरी मिर्च 12 से 15 पीस कटी हुई, और हरी मिर्च आप यहाँ पे तीखी ही यूज़ करिए। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट, करीब 2-2 टेबल स्पून, टोटल 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे यूज़ किए। और ये देखिए दोस्तों, बकरी का मटन क्वांटिटी में 1 किलो है ये, और ज़्यादातर इनमें नली और चाप के ही पीस हैं। जब भी आप स्टोव बनाओ तो ज़्यादा इनमें नली के ही पीस यूज करिए। और अब इनको हमने ऐड कर लिया है। और साथ में 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, नमक 1 टेबल स्पून यूज़ किया है, आगे और ज़रूरत पड़े तो और कर लेंगे। और दोस्तों अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब 9 से 10 मिनट तक इनको हम पकाएंगे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो डायरेक्ट हमें मैसेज भी कर सकते हो, और एक साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, अब 9 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे इनको पकाएंगे। 10 मिनट बाद में ये देखिए दोस्तों, और बीच में आप कवर हटा के भी चेक कर सकते हो, मसाले पिंदे में चिपके नहीं। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए मटन को, मटन कितना टेंडर हो चुका है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप के साथ फेसबुक और इंस्टा का लिंक भी है, तो प्लीज़ आप उनको भी फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, अब इनमें थोड़ा करीब 1 कप पानी यूज़ करेंगे क्योंकि मटन को अभी और भी पकाना है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में भी अपनी राय रखिए। अब 4 से 5 मिनट फिर इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। स्टू बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है दोस्तों, आप भी बड़ी आसानी से ये रेसिपी आप अपने घर पे बना सकते हो। ये देखिए करीब 5 मिनट बाद में जब हमने चेक किया तो जो पानी हमने ऐड किया था वो करीब करीब ड्राई हो चुका है। अब आप यहाँ पे 1 मटन की बोटी लेके चेक कर सकते हो, टेंडर अगर ना हुई तो आप इनको थोड़ा और पका लीजिए। और फिर हम इनको 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे।
क्योंकि हमारी बोटी टेंडर हो ही नहीं थी थोड़ी। और ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट तक हमने पकाया और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे एक बोटी बाहर निकाल के। यकीन मानिए जब आप ये रेसिपी अपने घर पे बनाओगे तो बड़ी टेस्टी लगेगी आपको। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है और हमारी ये बोटी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। करीब यहाँ पे 70% मटन अगर टेंडर हो चुका है तो आप समझिए। अब इनमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 कप प्याली दही। अगर आप इसका हिसाब लगाओगे तो करीब ये 150 ग्राम के करीब है ये दही, क्योंकि 1 किलो मटन में हमने यूज़ किया है। और ये देखिए जो सूखी हुई लाल मिर्च बचा के हमने रखी थी अब ऐड कर लिया है। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर करीब 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इनको पकाएंगे, क्योंकि जो दही हमने ऐड किया था वो अच्छे से इनमें पक जाए और सूखी लाल मिर्च भी वो भी अच्छे से इनमें मिक्स हो जाए। तो करीब 10 मिनट तक हम इनको पकाएंगे लो फ्लेम पे। और बीच बीच में आप ढक्कन को ओपन करके देख सकते हो, कहीं ऐसा ना हो कि मसाले पिंदे में चिपके। और डिपेंड करता है आपकी ग्रेवी पे, आप ग्रेवी कैसे रखना चाहते हो। ये देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे नमक चेक कर लीजिए, अगर आपको लगे नमक कम है तो आप इनमें थोड़ा नमक और ऐड कर सकते हो। और जैसी ग्रेवी आपको खानी है वैसी आप। अभी हमें थोड़ा और यहाँ पे पकाएंगे क्योंकि हमें ग्रेवी कम रखनी है। अब डिपेंड आप पे करता है, आप इसको नान चपाती तंदूर रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो। यकीन मानिए बड़ा ही टेस्टी लगेगा। आप इनको प्लेन राइस के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, हमारा मटन स्टू अभी बन के तैयार है और बड़ी ही शानदार खुशबू इसमें आने लगी है। और ये देखिए ग्रेवी भी बड़ी अच्छी तैयार हुई है। अब हम इनको गार्निश करेंगे हरा धनिया के साथ। तो इनमें थोड़ा हरा धनिया यू ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये अभी सर्व के लिए तैयार है। और दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई फरमाइश है नई रेसिपी की तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखें। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। और अब इनको हम सर्व करेंगे। ये देखिए बड़ा ही शानदार बनके तैयार हुआ है। यकीन मानिए आप भी जब बनाओगे बड़ी आसानी से बन जाएगा ये रेसिपी देख के। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।